दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ पावरफुल फ्री के ट्रैफिक सोर्स शेयर करने वाला हूं, जिनके ऊपर आप अपने ऐप प्रोडक्ट्स, सीपीओ ऑफर्स, ब्लॉगिंग या आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप इजीली इनके ऊपर प्रमोट कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सारा फ्री का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इन फ्री के ट्रैफिक सोर्सेज के यहाँ पर स्टैट्स की बात करें, मीन्स इनके माध्यम से आपको कंबाइंड कितना ट्रैफिक मिलता है, वह मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, आपको इन फ्री के ट्रैफिक सोर्सेज के माध्यम से मंथली 20 मिलियन तक का ट्रैफिक मिल जाता है। वह मैक्सिमम ट्रैफिक मिलता है आपको यूएसए से, जो कि 50-70% के अराउंड है। तो गाइज, अगर आपको इन फ्री के ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में जानना है और किस तरीके से यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है। दोस्तों आज के हमारे पहले ट्रैफिक सोर्स का नाम है gap.com। एंड दोस्तों gap.com बेसिकली एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है। जिस प्रकार से आपका ट्विटर है, टम्बलर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसी प्रकार से gap.com भी है। जिस प्रकार से आप ट्विटर के ऊपर अपने टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, पोस्ट हो गई, लिंक्स को शेयर कर सकते हो, सेम उसी प्रकार से आप भी gap.com के ऊपर अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो और यहाँ से बहुत सारा फ्री का ट्राफिक आप जनरेट कर सकते हो। अब इसके माध्यम से आपको मंथली कितना ट्राफिक मिलता है, वह मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से मिलता है, वह भी मैं आपको दिखाता हूं। फिर कैसे इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपको यहां पर अपनी पोस्ट को शेयर करना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस, इसके ट्रैफिक को जांचने के लिए हम यहां पर सिमिलर वेब को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि gap.com के माध्यम से आपको मंथली 13 मिलियन तक का ट्रैफिक मिलता है। अगर हम यहाँ पर कंट्री की बात करें, मींस किस कंट्री से आपको यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाले ट्रैफिक सोर्स के माध्यम से आपको 73% का ट्रैफिक मिलता है यूनाइटेड स्टेट से और करीब 80-85% का ट्रैफिक मिलता है वो टायर वन कंट्री से। मींस अगर आप इस वाले ट्रैफिक सोर्स के ऊपर अच्छे से वर्क करते हो तो यहाँ से आप बहुत सारा ट्रैफिक निकाल सकते हो, साथ में बहुत सारा आप यहाँ से टारगेट ट्रैफिक निकाल सकते हो। अब इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। तो गाइस, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा जहां पर आपको बेसिक डिटेल को फिल करना है। जैसे कि यहां पर आपको अपने यूजर नेम को फिल करना है, फिर यहां पर आपको अपने ईमेल एड्रेस को डालना है, फिर यहां पर आपको अपने पासवर्ड को डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर इस वाले टेक्स्ट को आपको यहां पर पेस्ट कर देना है, फिर आपको आई एग्री को यहां पर टिक करना है, फिर साइनअप इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा। सिंपली आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है और आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आप यहां पर अपने एप्पल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूं। तो गाइस, इसके ऊपर अपने एप्पल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए मैं आपको यहां पर दो तरीके बताने वाला हूं। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है, पहले तरीके में आपको अपने एप्पल प्रोडक्ट के अनुसार अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है या फिर आप यहां पर अपनी ब्लॉग पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर अपनी लैंडिंग पेज या फिर ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर लें, सिंपली आपको उसके लिंक को कॉपी करना है और यहां पर आपको डायरेक्ट शेयर कर देना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने एप्पल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके में आप यहां पर अपने प्रोडक्ट के अनुसार कंटेंट को भी शेयर कर सकते हैं। मींस यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट के अनुसार एक पैराग्राफ को क्रिएट करना है और उसको आपको यहां पर शेयर कर देना है। जैसे कि यहां पर मैंने ऑलरेडी अपने एक पैराग्राफ को बना रखा है तो उसको मैं आपको यहां पर प्रमोट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने अपने एक पैराग्राफ बना रखा है तो सिंपली मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड कॉपी करके सिंपली मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। देन उसके बाद हमें यहां पर अपने एफर्ट लिंक को लगा देना है और उसके बाद यहां पर आपको 4 से लेकर 5 हैशटैग को भी लगा देना है ताकि आपकी पोस्ट को यहां पर रीच मिल सके। अगर आपने यहां पर अपने प्रोडक्ट की इमेज को भी डाउनलोड कर रखा है तो इसके माध्यम से आप यहां पर अपने प्रोडक्ट की इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे ही आपकी कंप्लीट पोस्ट यहां पर रेडी हो जाए, सिंपली आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी होम फीड के ऊपर आपकी पोस्ट जाएगी, उसके ऊपर ट्राफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के हमारे दूसरे फ्री ट्राफिक सोर्स का नाम है vhearted.com। बहुत ही अमेजिंग सोशल मीडिया की वेबसाइट है एंड दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप बहुत सारा फ्री का ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से आपको मंथली कितना ट्रैफिक मिलता है, वह मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से मिलता है, वह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो गाइज, यहां पर मैंने इस वेबसाइट के डाटा को ओपन कर रखा है तो यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर मंथली 5 मिलियन तक का ट्रैफिक आता है। अगर हम यहाँ पर टारगेटेड कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर 30% का ट्रैफिक आता है यूनाइटेड स्टेट से। मीन्स अगर आप इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो तो यहाँ से आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं।
अब इसके ऊपर आपको अपने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूं। तो गाइस इसके ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा और यहाँ पर आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस को डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यूजर नेम का ऑप्शन आएगा, ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा, इसके अलावा आपके सामने थोड़े बहुत और ऑप्शन आएंगे। आपको सिंपली सभी ऑप्शंस को यहाँ पर फिल कर देना है, फिर क्रिएट अकाउंट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप अकाउंट एक्टिवेट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब इसके ऊपर आपको अपने एप प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर अपने एप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला पेज आता है। यू कैन सी यहाँ पर आपको तीन तरीके मिल रहे हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका आपको यहाँ पर मिल रहा है एड फ्रॉम यूआर, सिंपली यहाँ पर आपको अपने ऐप पर लिंक को या फिर लैंडिंग पेज के लिंक को या फिर ब्लॉग पोस्ट के लिंक को डायरेक्ट शेयर कर देना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने यूआरएल का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपको अपने लिंक्स को डायरेक्ट शेयर कर देना है। दूसरा तरीका आपको यहाँ पर मिलता है राइट एन आर्टिकल का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह इंटरफेस आता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के अनुसार एक आर्टिकल को क्रिएट करना है और उसको सिंपली आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल के टाइटल को पेस्ट करना है, यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल की बॉडी को पेस्ट करना है। अगर आपने अपने आर्टिकल के अनुसार किसी भी इमेज को क्रिएट कर रखा था उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद चैनल के अंदर आपको अपने आर्टिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल के अनुसार अपने टैग्स को लगा देना है। फिर उसके बाद आपको पब्लिश आर्टिकल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा पब्लिश आर्टिकल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आएगा और बीच बीच में आपको अपने आर्टिकल के अंदर एफर्ट लिंक को भी लगा देना है। जैसे ही आप अपने आर्टिकल के अंदर एफर्ट लिंक को लगाएंगे तो आपके एफर्ट लिंक के ऊपर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरे तरीके में आप अपने प्रोडक्ट की इमेज के माध्यम से भी अपने एफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, आपको पोस्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने प्रोडक्ट की इमेज को आपको अपलोड कर लेना है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर अपलोड होगी तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कलेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और किसी भी एक कलेक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लगाना है, मीन्स आपका प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने हैशटैग्स को लगा देना है, फिर टिक इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन लिंक का, तो इसके अंदर आपको अपने एफर्ट लिंक को पेस्ट कर देना है, फिर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पर शेयर हो जाएगी, आपकी इमेज के ऊपर ट्रैफिक आएगा और जैसे ही आपकी इमेज के ऊपर ट्रैफिक आएगा तो वह ट्रैफिक आपके एफर्ट लिंक के ऊपर भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे तीसरे ट्रैफिक सोर्स का नाम है minds.com, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप बहुत सारा फ्री का ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से आपको मंथली कितना ट्रैफिक मिलता है, मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से मिलता है वह भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिमिलर वेब को ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर 45% तक का ट्रैफिक आता है टैबन कंट्री से, जैसे कि 38% का ट्रैफिक आता है यूएसए से और 9% का ट्रैफिक आता है कनाडा से। अगर हम यहाँ पर मंथली ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर 1.1 मिलियन का मंथली ट्रैफिक आता है। अब इसके ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इसके होम पेज के ऊपर आना है। जैसे आप इसके होम पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन नजर आता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज आता है और यहाँ पर आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने यूजर नेम को डाल देना है, यहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस को पुट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को डाल देना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको आई एग्री इसके ऊपर टिक कर देना है, देन आपको ज्वाइन नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा, सिंपली आपको अकाउंट एक्टिवेट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अपने ऐप प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर अपने ऐप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है
और यहाँ पर आपको कंपोज का ऑप्शन रहेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा एंड गाइस यहीं पर ही आप अपने ऐप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अपने लैंडिंग पेजेस के लिंक को, ब्लॉग पोस्ट के लिंक को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के अनुसार एक छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हो। पैराग्राफ के नीचे आपको अपने ऐप पर लिंक को दे देना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के अनुसार इमेज को अपलोड कर देना है, साथ में आपको यहाँ पर 5 से लेकर 7 हैशटैग को लगा देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक अच्छा सा कंटेंट बना लेना है और उस कंटेंट को आपको यहाँ पर शेयर कर देना है। अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट को शेयर करते हो तो डेफिनेटली आपके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, और अगर आपके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली वो आपके ऐप पर लिंक के ऊपर जाएगा और वहां से आप मनी मेक कर पाओ। आई होप आपको आज के तीनों ट्रैफिक सोर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको आज के तीनों ट्रैफिक सोर्स पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, बस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।